तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे जो है आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मेरा एक चैनल है जिसने जो थ्रेशोल्ड है वो कंप्लीट कर लिया है। 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 4000 वॉच आवर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं चैनल ने, और अब ये एलिजिबल है कि वो अप्लाई कर सके यूट्यूब पार्टनर्स प्रोग्राम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अप्लाई नाउ की ऑप्शन नजर आ रही है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद आपके सामने इस तरह का लेआउट ओपन हो जाएगा। यहां पर आपके पास स्टेप वन है कि रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स। सबसे पहले यहां पर आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और तमाम की तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो जो कि आप पढ़ेंगे नहीं, तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, नहीं तो आई एक्सेप्ट द यूट्यूब पार्टनर्स प्रोग्राम टर्म्स पे क्लिक करें और एक्सेप्ट टर्म पे क्लिक करके सबमिट कर दें। यहां पर जो है मेरा ऑलरेडी जो है गूगल एडसेंस अकाउंट बना हुआ था, तो मेरा ऑलरेडी इसके साथ लिंक था, तो ये ऑटोमेटिकली स्टेप टू जो है इसने डन कर दिया है। लेकिन अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप यहां पर ऊपर आपको लिंक शो हो रहा होगा, आप वो वीडियो देख लें और सेपरेटली जाकर जो है वो गूगल एडसेंस अकाउंट बना लें। नहीं तो यहां पर आपको ऑप्शंस दिखेंगी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप किस तरह से जो है उसको क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि मेरे चैनल पर ऑलरेडी जो है एडसेंस अकाउंट कनेक्टेड था, तो इसलिए शायद आपको उतने अच्छे से समझ ना आ सके, लेकिन चूंकि आपका इस तरह से कनेक्टेड नहीं होगा तो मैं आपको वो प्रोसेस बता देता हूं कंप्लीट, ताकि आप अच्छे से उसको समझ लें। यहां पर जब आप स्टेप वन कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास स्टेप टू में ऑप्शन आ रही होगी स्टार्ट की। यहां पर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। स्टेप टू में आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास ऑलरेडी जो है एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट है। अगर तो आपने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट नहीं है तो आप नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप ईमेल सिलेक्ट करेंगे जिससे आप गूगल एडसेंस अकाउंट कनेक्ट करना चाहते हैं या जिस पर बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी वेबसाइट जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप यस पे क्लिक कर सकते हैं, नो पे क्लिक करना चाहे नो पे क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने इस तरह से पाकिस्तान सिलेक्ट किया। यहाँ पर उसके बाद आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, अकाउंट टाइप आपने इंडिविजुअल रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट आपने जो है वो नेम लिखना है। यहाँ पर आपने चैनल का नेम नहीं लिखना, जो भी उस एडसेंस अकाउंट का ओनर है उसका नाम लिखना है एक्चुअली में, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस लिखना है, उसके बाद सिटी लिखनी है, और पोस्टल कोड और फोन नंबर देने के बाद नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपको खुद ब खुद वो रीडायरेक्ट कर देगा यूट्यूब की तरफ। आपने वेट करना है, किसी बटन को क्लिक नहीं करना। और उसके बाद जो है आपके सामने स्टेप टू पे इन प्रोग्रेस लिखा आ रहा होगा। अभी एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो चुका है, एसोसिएट करने में और अप्रूवल में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये एक दो दिन ले सकते हैं, हो सकता है कुछ घंटों में हो जाए, तो आपने वेट करना है। जैसे ही ये रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा, स्टेप टू के आगे डन लिखा नजर आएगा आपको, और आपका जो है ऑटोमेटिकली चैनल जो है वो रिव्यू में चला जाएगा। जैसा कि यहां पर आप चैनल पर देख रहे हैं कि स्टेप टू कंप्लीट हो चुका है और स्टेप थ्री पर जो है बेसिकली वो रिव्यू में चला गया है चैनल। अब जो है यूट्यूब की टीम जो है मेरे चैनल को रिव्यू करेगी, और अगर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन को मैंने जो है ना तोड़ा हो, वॉयलेट ना किया हो, तो यहां पर मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, और मेरे चैनल पर एड्स आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहां पर मैं आपको मोनेटाइजेशन पर अप्लाई करने से पहले कुछ एहतियाती तदाबीर जरूर रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले कि कॉन्टेंट पर आपकी कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना हो, आपने दूसरों का कॉन्टेंट ना अपलोड किया हो, आपने अपना कंटेंट अपलोड किया हो, जो आपने वीडियोस अपलोड की हैं उस पे आपकी वॉइस होना, या आपकी या किसी और की वॉइस, लेकिन वॉइस का होना बड़ा जरूरी है, वॉइस ओवर हो चाहे, क्योंकि अब जो वॉइस के बगैर वीडियोस आती हैं यूट्यूब की टीम जब रिव्यू करती है और उनको पता चल जाए तो वो इस तरह के चैनल्स को मोनेटाइज नहीं करती बाज़ दफा, तो आपने इस चीज का भी खास ख्याल रखना है। उसके अलावा क्रेडिबिलिटी बेहतर करने के लिए आपने यहाँ कस्टमाइजेशन पे क्लिक करना है, ब्रांडिंग में जाना है, और यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर और बैनर इमेज लाजमी लगा लेनी है। उसके अलावा बेसिक इन्फो, ये प्लस चीज़ है कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन दी हो, उसके अलावा आपका अपना कस्टम यूआरएल हो, आपने अपने सोशल मीडिया लिंक्स ऐड किए हों, यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया हो। ये सब कुछ करना बेहतर है आपके लिए अगर आप एक्सेप्ट होना चाहते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। तो उसके बाद आपको जो है जल्द ही, हो सकता है एक दिन लगे, हो सकता है दो हफ्ते लग जाए, लेकिन आपने वेट करना है। आप
आपको जो है ईमेल आ जाएगी कि कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन एक्सेप्टेड इनटू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। तो जैसे ही आपको ये ईमेल आएगी, आप जो है अपनी तमाम वीडियोस को जो है वो मोनेटाइज कर सकते हैं। तो वीडियोस को मोनेटाइज करने के लिए आपको यहाँ कॉन्टेंट पर आना पड़ता है और यहाँ पर डॉलर साइन होता है, आप सिलेक्ट करते हैं कि यस कि ये वीडियो को जो है मोनेटाइज करते हैं। तो इस तरह से तमाम वीडियोस को आप मोनेटाइज करेंगे। तो ये था एक पूरा प्रोसेस कि किस तरह से आप अपने यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे और कैसे जो है आप ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे सेफली। तो अगर आपको वीडियो से फायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।